चाबी रहने वाली है इसकी। देखो पुरानी गाड़ी है तो चाबी से आप आइडिया लगा ही लोगे। लग्जरी गाड़ी का आप लोगों को मैंने इंटीरियर दिखाया, अब मैं आपको एक बार Hey guys, welcome back to Preet Cars। आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा लग्जरी ये टोयोटा की इनोवा। बेसिकली ये काफी पुरानी गाड़ी है, इनोवा जो नॉर्मली स्टॉक आया करती थी काफी पहले टाइम पे वो वाली। फोटो एक क्लिप में बीच में अटैच कर दूंगा, फोटो देख लो। उस गाड़ी को पहले से कुछ ऐसे कन्वर्ट करा हुआ है, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बेसिकली इनोवा कंफर्ट के लिए जानी जाती है, आपको पता है मुझे लॉन्ग टूरिंग करनी है तो मैं इनोवा जैसी गाड़ी को ही कंसिडर करूंगा। अब अगर उस गाड़ी के अंदर कंफर्ट, कन्वीनियंस और इतनी सारी लग्जरी ऐड हो जाए तो फिर तो भाई आपको एक महंगी गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको ना उससे ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब जैसे कि इनोवा एक 7 सीटर कार है, आप में से सारे लोग जानते हैं। आप एक बार यहाँ से इंटीरियर से दिखा दो एक बार कैमरा घुमा के, तो देखो यहाँ पे इसके अंदर 7 सीट आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, सिर्फ पीछे 2 रिक्लाइनर लगा रखे हैं। वो भी भाई क्यों? क्योंकि इसके इंटीरियर को बहुत ज़्यादा प्रीमियम और बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो लग्जरी बनाने के लिए। जैसे कि अभी मैं इसके सीट के ऊपर बैठा हुआ हूँ, अब मैं लॉन्ग राइड पर जा रहा हूँ तो मेरे एंटरटेनमेंट के लिए देखो यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे मिरर खोलना है तो मिरर खोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ सारे बटन हैं। एक बार मैं पास से दिखा देता हूँ, दिखाना। तो देखो अगर मेरे को यहाँ से मिरर वगैरह एक्सेस करना है तो मेरे पास ये सारे बटन है, मैं इन सारे बटन्स की हेल्प से यहाँ पे सारा काम करने वाला हूँ। सबसे पहले मिरर नीचे करना है तो इस वाले बटन पे देखो नीचे का एरो बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे ये मेरा देखो मिरर नीचे आ जाएगा। ऊपर करना है बराबर वाले बटन से ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका सारा काम इन बटन से होने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है। और साथ के साथ अब इन बटन की मैं आपको एक बार फंक्शनैलिटी चेक करवा देता हूँ। तो इसके अंदर जैसे कि मुझे सबसे पहले सीट को पीछे करना है तो मैं इस लास्ट बटन से करता हूँ, देखते हैं इससे क्या होगा। तो देखो भाई सीट पीछे जा रही है, आपको पता चल रहा होगा पीछे करना है तो ये बटन यूज़ करना है। अब भाई देखो रिक्लाइन और इनक्लाइन भी आपका इसी के अंदर चलने वाला है। ये आपका हो गया देखो इनक्लाइन हो गया, अभी ये पीछे वाली बैक सीट आगे आ रही है। अब अगर इसको दबाओगे तो आपकी देखो पीछे जाएगी, अभी इनक्लाइन हो गया। अब ये आपका आगे पीछे ऊपर नीचे तो हो गई, बट उसके अलावा अगर आपको आपकी काब्स के लिए पैरों के लिए अच्छा सपोर्ट चाहिए तो भाई आपको यहाँ पे भी एक्सटेंडर मिल जाएगा। इसको चलाने के लिए यहाँ पे आपके 2 बटन मिलेंगे, देखो ये वाला बटन मैं प्रेस करूँगा तो ये मेरा ऊपर जाएगी, ये आपको नजर आएगा यहाँ पे नीचे की साइड। देखो यहाँ पे आपको नीचे की साइड ये नजर आएगा ये चीज़। और अब मुझे इसे पीछे करनी है तो वहीं पे एक मैंने बटन दे रखा है जिससे मैं इसे पीछे कर लूँगा। तो पहली चीज़ तो भाई कंफर्ट कन्वीनियंस को इंक्रीज़ करते हुए गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाली है पीछे ये बढ़िया सी सीट रिक्लाइनर्स, तो ये जगह पूरी ले लेंगे आपकी। और कंफर्ट कन्वीनियंस में 4 चांद लगा देंगे, मान लो 1000 किलोमीटर जाना है 2000 किलोमीटर जाना है, आप समझ लो 4-5 दोस्तों का ग्रुप जा रहा है, आगे एक बंदा चला रहा है पीछे आप बैठ रहे हो। अब बीच में आप जो ये देख रहे हो कंपार्टमेंट, जैसे आप बीच में देख रहे हो कंपार्टमेंट है, अब सामने आपका फ्रेंड गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, अब आपको उससे बात करनी है। तो अब ये एक सवाल है ना, आप बात कैसे करोगे? अब सवाल है कि भाई आप उससे बात कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ तो भाई पूरा ग्लास व्लास लग गया, आवाज़ आगे जाएगी नहीं, अब क्या पता चली भी जाए वो गाना सुन रहे हो आप गाना सुन रहे हो। तो उसके लिए भाई देखो यहाँ पे आपको एक सिल्वर कलर का आप ये बटन देख रहे हो, इस वाले बटन को अगर आप ऐसे प्रेस करके रखोगे और यहाँ से अगर मैं इस स्पीकर में कुछ भी कमांड दूंगा तो वो आगे सुनाई देने वाली है। ये मैं आपको एक बार चलो करके दिखा देता हूँ। तो भाई देखो मैंने बटन प्रेस कर लिया, शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, अब जैसे ही मैं बटन छोड़ूंगा मेरी आवाज़ कट जाएगी, मेरी आवाज़ आ जाएगी। तो ये चीज़ अगर पीछे आपको अपने किसी भी फ्रेंड वगैरह से बैठक तो बात करें तो उसके लिए ये चीज़ें। तो देखो मैंने अब आपको इस वाले बटन की फंक्शनैलिटी भी दिखा दी, अगर आपको अपने किसी भी फ्रेंड वगैरह से बात करनी है। अब सपोज देखो मैं भाई सीट के ऊपर लेटा हुआ हूँ, अब ये बटन मेरे से दूर हो गया पूरा, मैंने इंक्लाइन कर लिया, तो उस टाइम पे मैं इस सीट को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? तो मेरे पास एडिशनली बटन देखो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं इधर की साइड में। इस बटन से आपका ये लाइट का बटन होगा, ये देखो लाइट जल गई है, एक्स्ट्रा ये जो लग रखी है, ये मैं आपको बिना इनका थोड़ा डार्क शॉट अंधेरे का दिखा दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे ये सीट का हो गया जिससे आप सीट आगे पीछे कर सकते हो, वही ये किस चीज़ का है, हाँ सीट का रिक्लाइन और इनक्लाइन करने का। जब सीट आगे की तरफ हो जाएगी तो आप सारे इन बटन्स को भी एक्सेस कर ही पाओगे, ठीक है। और उसके अलावा भाई देखो अगर पीछे कोई फीमेल बैठी है तो उनके काम की चीज़ यहाँ पे मिलेगी, दिखाना भैया मैं दिखा देता हूँ। अगर भाई कोई फीमेल बैठी है मेकअप शेकअप करना है तो उनके काम की चीज़ यहाँ पे रहने वाली है ग्लास, आपको यहाँ मिरर मिल जाएगा, मिरर के साथ ऊपर लाइट मिल जाएगी, मस्त इधर मेकअप हो जाएगा। और उसके अलावा नॉर्मल अपना शक्ल वक्ल देखने, कंगी कुंगी करनी है वो चीज़ है। एसी वेंट आपको गाड़ी में यहाँ पे मिलती हैं। अब उसके अलावा भाई इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वाला, मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। सामने की तरफ इसके अंदर भाई सोनी ब्राविया का टीवी लगा हुआ है प्रॉपर, भाई इसके अंदर 5 स्टिक लगा के इसको एंड्रॉयड टीवी बना दिया है, एंड्रॉयड का भाई देखो रिमोट ये पड़ा है। अब यहाँ पे भाई मुझे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना है तो मैं मस्त यहाँ से अपने ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, कुछ भी चला सकता हूँ, इंटरनेट कनेक्ट करके यूट्यूब नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी चीज़ें सामने आ रही है आप कंप्लीट एक्सेस कर सकते हो। और उसी के साथ मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ लोगों को दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि भाई इसकी बैटरी पे इफेक्ट पड़ेगा इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो भैया वो AC-DC कन्वर्टर लगाते हो क्या? लगाते हो AC-DC कन्वर्टर लग जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती ना, और कभी एडिशनली बैटरी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये बात रही इसकी। अब अगर आपको इसकी म्यूजिक वगैरह कंट्रोल करनी है तो भाई उसको आप कंट्रोल कर सकते हो,
इसको ऐसे खोलोगे यहाँ से पकड़ के, ऐसे करके आप इसे खोल लो और यहाँ से आपका जो सिस्टम है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये पाइनियर का लगा रखा है छोटा वाला, यहाँ पे एंड्रॉइड स्क्रीन भी लग सकती है इसके अंदर, अगर कोई चाहे लगवाना तो ये छोटा भी लगवा सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ से आप ऐसे वॉल्यूम कम ज़्यादा करोगे गाना चल जाएगा। तो वो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर रील डाल रखी है, वहाँ जाके चेकआउट करो। इसको करते हैं क्लोज। इसको क्लोज करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक मिलती है ड्रॉर, ऐसे ड्रॉर खोलोगे तो ऐसे आप यहाँ पे इसको ड्रॉर को ओपन करोगे, ऐसे ड्रॉर इसके अंदर स्लाइडिंग मिलेगी, इसके अंदर अपना कुछ भी सामान रख के हाइड कर सकते हो। नीचे की तरफ इसको खोलने के लिए बटन दबाना होगा, भैया आप खोलो एक बारी, यहाँ पे भैया खोलेंगे इसको, ये बटन प्रेस करना है और ऐसे खुल जाएगा। ये भाई आपका पूरा नीचे फ्रिज है, फ्रिज के अंदर क्या रखना बाकी आप आके समझदार हो, ठीक है। और नीचे की तरफ ये आपके तीन चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे, ये इसके अंदर चार्जिंग कर सकते हो। देखो यूएसबी का भी ऑप्शन है ऊपर, इधर इसका भी ऑप्शन रहने वाला, दोनों में से कुछ भी लगा लो। अब एक बारी भाई जब आप कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ भूख भी तो लग सकती है, तो भूख लगेगी तो आपको ये खोलना है, आपके यहाँ पे ये ट्रे आ जाएगी, ट्रे को स्लाइड करेंगे तो इसके नीचे से दो आपके बॉटल होल्डर निकल जाएंगे। अगर आपको इसको नहीं खोल के रखना है, यहाँ पे कप नहीं रखना है, तो कप का ऑप्शन आपके लिए देखो यहाँ पे भी एक अवेलेबल रहने वाला है, और उसी के नीचे देखो यहाँ पे आपको एक सॉकेट भी मिल जाएगा, अगर लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है तो आप यहाँ से अपना लैपटॉप शैपटॉप चार्ज कर सकते हो। और ये बड़ा सही सा सिस्टम है, मतलब गाड़ी एकदम लग्जरी बन जाएगी। अब इसको बंद करने के लिए कुछ नहीं करना है, अब सिंपल इसको भैया बंद कर देंगे, सामने की तरफ सेट लॉक हो गई है। और उसके अलावा इसमें जो इंटीरियर में लाइट्स वगैरह लगा रखे हैं देखो यहाँ पे हैं, अभी आप देख रहे होंगे सिर्फ इधर की लाइट जली, इधर की नहीं जली, तो इधर की भाई यहाँ से जलानी पड़ेगी ना मुझे, एक सेकेंड, ये मैंने कहाँ से जलाई थी, सॉरी यहाँ से जलाई थी ना, यहाँ से ये वाले बटन से जलेंगी भाई। तो ये दोनों साइड की लाइटें जल गई आपकी, ये वाली, और पूरा मतलब आपका ना काफ़ी मतलब एरी कैबिन हो गया। इसके अंदर दो तीन चीज़ें और भी करा सकते हो, मैं आपको वो बताता हूँ एक बारी। आज से काफ़ी टाइम पहले एक और इनोवा बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि पूरा ऐसे इंटीरियर बना हुआ था, उसके अंदर यहाँ पे ना रूफ लाइट भी लगी हुई थी, स्टार लाइट जिसको कहते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन रहता है, वो भी करवा सकते हो। पूरा मतलब पार्टी वाला इंटीरियर बन जाएगा, मस्त पार्टी शार्टी करने वाला। तो यहाँ पे हर चीज़ है, किसी ऐसी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होने वाली। अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो, 1000-1200 किलोमीटर की ट्रिप कर रहे हो, तो किसी भी चीज़ की ऐसी कमी नहीं लगेगी कि यार गाड़ी के अंदर ये और होना चाहिए था। पीछे स्पेस भी मिल जाएगा सामान वामान रखने के लिए, और मॉडिफिकेशन में सारी चीज़ें बढ़िया हो गई, और साउंड प्रूफिंग भी अच्छी हो गई, इंसुलेशन भी हो गई, प्रॉपर फुल पावर। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर जो लोग पीछे बैठे हैं, जैसे मान लो मैं पीछे बैठा हूँ, मैं अपना एंटरटेनमेंट का कुछ देख रहा हूँ, तो क्या आगे बैठने वालों को उसकी आवाज़ आएगी? तो भाई आगे ड्राइवर और जो को ड्राइवर रहने वाले हैं उनको पीछे से कोई आवाज़ नहीं आएगी, उनका आगे अलग म्यूजिक सिस्टम रहने वाला है, वो अपनी पसंद का अपनी चॉइस का आगे कुछ भी करवा सकते हैं। अब एक बार मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे चेक कराता हूँ, और यहाँ पे पूरा देखो ये वुडन देखने के लिए मिल जाएगा, ये सब पूरा पेंट वेंट करा हुआ भैया है ना, और ये पूरा भाई देखो अपना रैप कर देते हैं बढ़िया कपड़े में, और इधर आपको यूएसबी के पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, यूएसबी नहीं है, 12 वोल्ट के यहाँ पे सॉकेट भी मिल जाएंगे, इसके अंदर भी अगर आप अपना फोन चार्ज करने के लिए लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब ये इस गाड़ी के इंटीरियर की बात रही इनोवा की, अब मैं आपको एक बार इसका एक्सटीरियर दिखाऊंगा तो आपको वो बहुत पसंद आएगा। चलो चलते हैं बाहर, यहाँ से आपका डोर हैंडल है, यहाँ से अपने गेट खोलेंगे। अगर भाई आप फ्रंट देखोगे तो फ्रंट से देखने में कोई बोलेगा ही नहीं, है वही गाड़ी है, देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, सिंपल सी हो गई है। और अगर मैं जैसे सीट पर बैठता हूँ, तो सीट पर बैठने के बाद ये कुछ ऐसा भाई ब्लैक पोर्शन रहने वाला है, यहाँ से आपको पीछे कुछ नहीं दिखेगा, बस यहाँ से दिख सकता है थोड़ा सा, इस जगह से सेंटर में से तो कुछ नहीं दिखने वाला है। तो यहाँ से अगर आप लोग चाहो तो फ्रंट के लिए अपना अपनी पसंद का कुछ भी इसके अंदर एंटरटेनमेंट का लगा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से अपनी पसंद के लिए यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगाना है वो लगा लो, स्पीकर्स डालने स्पीकर्स डाल लो, और मस्त आगे से इस गाड़ी को लेके चलते रहो, बढ़िया एक गाड़ी बन गई है चलाने के मतलब से। तो आगे से तो भाई देखो नॉर्मल सिंपल सोवर सी है, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी काम करा सकते हो, कोई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बार भाई इस गाड़ी का मैं एक्सटीरियर दिखाता हूँ आप लोगों को, भाई इतनी लग्जरी गाड़ी का आप लोगों को मैंने इंटीरियर दिखाया, अब मैं आपको एक बार इसका एक्सटीरियर भी दिखा देता हूँ। भाई देखो फ्रंट से देखने में आपकी जो ओल्ड शेप की इनोवा आती थी वो है, साइड प्रोफाइल से देखने में भी आपको ओल्ड शेप की इनोवा देखने के लिए लगने वाली है, बट अगर मैं आपको रियर में लेके जाऊंगा तो रियर में आने के बाद आप लोग चौंक जाओगे, आप कहोगे भाई रियर से तो ये इनोवा क्रिस्टा है। बहुत ही जल्दी मैं आपको ऐसी फर्स्ट इन इंडिया वाली मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा अपने चैनल के ऊपर, आप लोगों को देख के जेन्युइन मज़ा आ जाने वाला है। तो मेक श्योर यू गाइस डू सब्सक्राइब, जिससे आपको इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है ना, इंटीरियर अंदर से दिखा देता हूँ, रात का टाइम होगा तो आपको देखो ऐसा कुछ इंटीरियर मिलने वाला है, बड़ा मतलब प्रीमियम सा लग रहा है ना। यहाँ पे लाइट्स मिलने वाली हैं, ये सेंटर में सारी लाइट्स हैं, और इधर की तरफ आपको लाइट्स मिल जाएंगी यहाँ पे रहने वाली हैं, और उसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉपर साइड में आपको नज़र आएगी इधर की साइड और नीचे की तरफ में। अगर आप इन लाइट्स को बंद करना चाहते हैं तो ये वाले जो बटन है इन सब में भी लाइट जलती है, अगर आपको इन्हें बंद करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ये नीचे की, ये यहाँ की, और यहाँ वाली भी बंद हो जाएगी, और इधर की तरफ की भी बंद हो जाएगी, रुको ऐसे। तो ऐसा कुछ भाई अंधेरा रहेगा, और अगर लाइट जलानी है तो 1, 2, 3, 4 उधर की दोनों एक साथ जल जाती हैं, तो ऐसा कुछ भाई बढ़िया हो जाएगा। तो मतलब
बढ़िया सा नजर आ रहा है, थोड़ी मेरी शक्ल पे भी लाइट आ रही होगी, है ना। और अगर आपको रात में अपना फेस वगैरह देखना है तो भाई देखो यहाँ पे आपका मिरर रहेगा, ये मिरर के साथ ऊपर सामने लाइट रहने वाली है। एक बारी भाई मैं आपको बाहर से लाइट दिखा देता हूँ, बहुत शोर आ रहा होगा, ऐसी कुछ रात में लगती है गाड़ी देखने में। और एक बारी रियर भी दिखा देता हूँ, रियर से देखने में देखो कुछ ऐसी लगने वाली है। और इंटीरियर भाई गाड़ी का देखो ऐसा लगेगा, काफी ज्यादा प्रीमियम सा कुछ इस तरीके से देखो इंटीरियर लगने वाले रात के टाइम पे। भाई रियल लाइफ से आंखों से ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, कैमरे में इतना ही दिखा सकता हूँ। अब एक बारी मैं आपको ना ये वाली लाइट का रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ ऐसी भाई, एक सेकंड रुको, कुछ ऐसी आपकी व्हाइट लाइट का थ्रो रहने वाला है, आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा यहाँ पे सामने लाइट का थ्रो है। अब ये येलो हो गई, ये पूरी अभी आपकी व्हाइट और येलो का दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सर है कुछ ऐसा है, ऐसी फ्रेश है दुबई की गाड़ी की। अभी ये इस टाइम पे इसकी सारी लाइट जल रही है, लो भी हाई भी वगैरह सारी, उन सबका रिस्पॉन्स ऐसा है, तो लाइट तो अमेजिंग रखे हैं। फ्रंट इसका कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पे आपको DRLs मिलेंगी, LED लाइट्स देखने के लिए मिलेगी, इसके अंदर भी LED फॉग लैंप मिलने वाले, यहाँ पे DRLs मिलेंगे। तो इसके अंदर भाई आपकी तीन लाइट जलने वाली है, तो एक बारी भैया जला के दिखा देंगे, जरा दिखाना भैया जला के आप। और दूसरी चीज़ इसमें लो बीम हाई बीम दोनों में LEDs रहने वाली है, फ्रंट में सही नज़र आ रही है, और पूरी लेक्सस वाली किट भी लगा रखी है, और सेंटर से टोयोटा का लोगो रिमूव कर देते हैं जिससे अच्छी नज़र आए। ये वाइट हो गई, येलो मिक्स, तो भाई देखो सर्दी आ रही है, विंटर्स आ रहे हैं, तो आपको येलो लाइट की ज़रूरत पड़ सकती है लॉन्ग टूरिंग पे। तो इसके अंदर भाई वाइट येलो और डुअल टोन दोनों का अपने पास ऑप्शन रहता है, तो वो जला दी हैं, वो चीज़ भी मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा थोड़ा बहुत। और अलॉय व्हील इसके अंदर डले हुए हैं साइड में से, ये पूरी भाई देखो ये फेंडर वगैरह बनाते हैं ना भैया फाइबर के, ये देखो ये साइड से पूरे फेंडर बनाते हैं, साइड की स्कर्टिंग लगाते हैं यहाँ से, और साथ के साथ जो इसका रियर है ना टेल सेक्शन के अंदर भाई ये क्रिस्टा वाली लाइट्स, ये बड़ी सही नज़र आती है। इसके अंदर पूरा इनोवा लिखा हुआ, लाइट भी जलती है यहाँ पे, और अलग से बैजिंग भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर में टोयोटा इनोवा दिख रहा है लिखा हुआ। और ऊपर की साइड में भाई ये हाई स्टॉप माउंटिंग लैंप है, ब्रेक दबाने पे आपका ये हाई स्टॉप माउंटिंग लैंप ये वाला भी आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा इस वाले स्पॉइलर के साथ में। और जैसे कि इंडिकेटर जलाने पे भाई ये सीक्वेंशियल इंडिकेटर जलेंगे राइट लेफ्ट में, और नीचे की तरफ मैट्रिक्स वाली लाइट भी मिल जाएगी इसके अंदर, और पूरी कंप्लीट टेल की जो लुक है ना बड़ी सुंदर निकल कर सामने आ रही है, अच्छी नज़र आ रही है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी बोल्ड लगती है ये चीज़ भाई। भैया के पास ही मिलते हैं, पूरा टेल गेट वगैरह चेंज वेंज करके फुल एकदम लाइट वाइट लगा देते हैं, एंड ओवरऑल गाड़ी की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आ रही है, मतलब बल्कि और बहुत ज़्यादा माचो सी लग रही है देखने में, स्पेशली भाई दूर से अगर कोई देखेगा ना बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करने वाली है। और जो DRLs है उनके अंदर भी आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये गाड़ी, आज की ये वीडियो, अच्छी लगी हो, लग्जरी इंटीरियर देख के मज़ा आया हो, तो वीडियो के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंडेटरी है, और ऐसी मॉडिफिकेशन करवानी है तो डिटेल्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाओ जाके चेकआउट करो और ऐसा ज़बरदस्त काम अपनी गाड़ी में करवा लो। और ये क्रिस्टा के इंडिकेटर, सॉरी इनोवा क्रिस्टा के ये जो ORVM है ये भी चेंज है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल अनफोल्डेबल नहीं आते हैं, ये देखो ये मैं इसको करूँगा लॉक करने पे ये आपके फोल्ड भी होंगे, क्योंकि इसके अंदर ये वाला शीशा नहीं आता था, पहले वाला आता था एक बड़ा सा मोटा सा, और अनलॉक करने पे ये आपके अनफोल्ड भी हो जाएंगे। तो ये ऐसी कुछ चाबी रहने वाली है इसकी, देखो पुरानी गाड़ी तो चाबी से आप आइडिया लगा ही लोगे, ये मैं चाबी लगा देता हूँ कुछ ऐसे, तो ऐसी कुछ भाई प्रॉपर इनोवा की क्रिस्टा रेडी, सॉरी इनोवा काफ़ी पुरानी जो 2000 पता नहीं 10-12 की होगी ये गाड़ी, इसको पूरा भाई कन्वर्ट करा है प्रॉपर न्यू शेप इनोवा के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कुछ नया ही करा है। तो बाकी आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर मेरे को बता सकते हो।